गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ना बैंक आई थी मौसी के पैसे जमा करने, एंड देन मैंने सोचा कि भैया की शॉप पर जाकर, हम भैया की शॉप पे जाके गोलगप्पे खा लेते हैं। तो ये चंद्रकेश भैया की शॉप है B10 की मार्केट में, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी आ सकते हैं। तो गाइस मैं गोलगप्पे खाने आई हूँ चंद्रकेश भैया की दुकान पर। अब भैया गोलगप्पे बना रहे हैं मेरे लिए। ये क्या, ये ऐसे गोलगप्पे खाते हैं? मम्मी को दिखाओ। हाँ, तब हमारे लिए गोलगप्पा बन रहा है और ये मेरा गोलगप्पा रेडी हो गया। तो गाइस हमने गोलगप्पे खा लिए, थोड़े से पैक करा लिए, अब हम जा रहे हैं वापस घर और हम अभी रोडों पे गेड़िया मार रहे हैं, गेड़िया। सो हे गाइस, मैं जा रही हूँ अपनी लाइफ की सबसे पहली ट्रिप जयपुर। एकदम सडनली प्लान बनाया, मैं और मेरे भाई विक्रांत दोनों जा रहे हैं जयपुर घूमने, और आप लोगों को भी हम दिखाएंगे हमने क्या क्या झूमा, क्या क्या घूमा, क्या क्या झूले झूले और क्या क्या किया। सो अभी हम घर से निकल चुके हैं, अभी एकदम मतलब हम अपने चर्च मॉल रोड पे ही हैं, आप देख सकते हैं, और अब हम निकल रहे हैं। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। सो गाइज अभी हम पहुंचे हैं मानेसर, अभी हम मानेसर पहुंच गए हैं। यहाँ से पूरा 222 किलोमीटर है जयपुर, बट यस हम लोग जा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं गाड़ी चला रही हूँ जयपुर हाईवे पे। दिखा दे चिट्टियां कलाइयां वे, अपनी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे। ना दुख होता है ना ये देख के कि हमारे किसान भाई अभी तक यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं। गाइस मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है कि हमारे किसान भाई अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अभी तक हमारे किसान भाइयों को यहाँ बैठना पड़ रहा है। पूरा ऊपर वाला जो हाईवे है वो किसान भाई बैठे हैं वहाँ पर। लोग सोचते हैं कि बस क्या करें इनका। अब देखिए हम टोल प्लाजा क्रॉस कर चुके हैं, और टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद व्यू देखिए कितना सुंदर व्यू, मैंने नहीं देखा यार। सो गाइज अभी हम रुके हैं यहाँ पर कुछ खाने के लिए नीलकंठ पंजाबी ढाबा पे। सो गाइज हम यहाँ जिस होटल में आए हैं उस होटल का नाम है नीलकंठ पंजाबी ढाबा, और ये होटल हाईवे है, होटल हाईवे। अभी मैंने इस मेन्यू में से ऑर्डर कर दिया है और मेरा भाई बहुत खुश हो रहा है, और वो हमारी गाड़ी पार्क को रखी है, खुशी मिल रही है ना। कितना अनफॉर्चुनेटली प्लान बनाया भाई हमने, अचानक हुआ है। कोई प्लान नहीं था गाइस हमारा कि हमें जाना है, एकदम से हमारा मन किया और हम आ गए, और मम्मा ने बोला ध्यान से जाना बिल्कुल। गाइज अब हम खाने वाले हैं चाउमीन, कॉफी एंड सैंडविचेस। विक्रांत भाई मुकेश भाई को वीडियो कॉल करके दिखा रहा है। सो गाइज हमने यहाँ से खाना खा लिया और अब हम वापस जा रहे हैं। यहाँ से अभी भी 2.5 घंटे का रास्ता है, सो मिलते हैं और आपको दिखाते हैं। सो गाइज हम अभी भी ड्राइव कर रहे हैं, हम अभी नहीं पहुँचे हैं जयपुर, अभी 6:14 हुए हैं और हम पहुँच जाएंगे 8:30 तक। सो गाइज अब हमने टंकी फिल करा ली है, क्योंकि घर से निकले थे तब आधी टंकी तेल था जो कि खत्म हो गया था। खत्म क्या मतलब ई के ऊपर वाली जो डंडी है ना, इस वाले पे आ गया था, तो हमने फुल करा लिया है और अभी हम पहुंच गए हैं पता नहीं कहाँ। पता नहीं कहाँ इन द सेंस कि अभी हमें, मैंने देखो इसमें मैंने मैप में देखा, तो मैप में दिखा रहे हैं कि अभी हमें 1 hour 30 minutes और लगेंगे और 7 बज चुके हैं हमें, तो हम 8:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। बहन थक गई तू, इतनी देर हो गई गाड़ी चलाते चलाते। नहीं भाई बिल्कुल नहीं थकी, और अभी तो मैं बहुत खुश हूँ कि हम जयपुर पहुँचने वाले हैं बस, ठीक है। 1 घंटा दिखा रहे हैं इसमें होटल की लोकेशन, क्योंकि हमने होटल देख लिया यहीं से कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन से होटल में जा रहे हैं, तो होटल की लोकेशन दिखा रहे हैं 1 घंटा 15 मिनट। सो गाइज 1 घंटा 15 मिनट दिखा रहे हैं, तो पर मुझे लगता है कि हम पहुँच जाएंगे 45 मिनट्स के अंदर, और मजा आ रहा है मुझे ऐसे रोडों पे गाड़ी चलाने में। मम्मी बोल रही थी कि नहीं चला पाएगी, बिट्टू
थक गया था ऐसे रोड पे गाड़ी चलाने में, तो लाइक मैं अभी नहीं थकी हूँ, तो दैट मीन्स मैं हैवी ड्राइवर हूँ। भाई तुम कुछ कहना चाहते हो? कैसा लग रहा है तुम्हें? ठीक लग रहा है। गाड़ी चला लो ना। मैं थक गई, तुम चला लो ना। मैं मजाक कर रही हूँ, मैं थकी ना, लेकिन तुझे भी चलानी चाहिए ना, एकली मेरे तो चलवा है। तो सुतरा लाग रहा तू। कुछ भी के मम्मी देखेगी, नू कहोगी मेरा छोरा सुतरा है ही, लग के रहा है। सो गाइस अभी 7:20 हुए हैं, मेरी माता रानी से मिलो। सो गाइस आप देख सकते हैं हम रोड पे हैं, जयपुर के रोड पे, और अब हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं। जितने भी आमिटी वाले बच्चे देख रहे हैं ना, वो तो समझ जाऊंगे के दिखाया मैंने, बाकी भी समझ जाऊंगे। यार ये क्लियर नहीं आ रहा, डट जा, मैं गाड़ी साइड में लगा के फोटो खींचूंगी। गाइस आप लोग देख सकते हैं, ये है आमिटी यूनिवर्सिटी, आमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर। और ये देखिए, ये मतलब ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और वो देखिए आमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर। सो गाइस आमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है आमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर। गाइस हम जयपुर में पहुंच चुके हैं, और यहाँ इतनी अच्छी अच्छी चीजें, और यहाँ की आमिटी यूनिवर्सिटी तो बहुत सुंदर है, और ना यहाँ देखो इतना सुंदर किला है और सामने। लेकिन हम ना कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं आगे, क्योंकि हवा महल देखने जाएंगे तो होटल पास में होना चाहिए ना। तो अभी मैं दिखाती हूँ यहाँ का ये किला। गाइस आप देखिए, ये है शुभम रिजॉर्ट। ओ माई गॉड, द शुभम रिजॉर्ट इज वेरी ब्यूटिफुल। लाइक वीडियो में तो सिर्फ लाइट लाइटिंग दिख रही है, बट इट वॉज वेरी नाइस नाइस नाइस। ओ ग्रेट, इट वॉज रियली नाइस यार। ये मंगलेश्वर महादेव जी का मंदिर, इंटरनेशनल सेंटर फॉर वेलकम टू जयपुर फाइनली। सो हमें आते ही दर्शन हो गए हैं हनुमान जी के और देवी माँ के, जयपुर में हमारा स्वागत हो चुका है। गाइस हम भवानी सिंह रोड के पास पहुंच चुके हैं, ये पीसी ज्वेलर्स है यहाँ का, ये है जवाहर नगर। गाइस रात के बज चुके हैं 9, और हम जयपुर के रोड की गेड़िया मार रहे हैं। सो गाइस अब हम सो रहे हैं, और हम कल जाएंगे घूमने, और हमें ये जो होटल है बहुत ही अच्छे रेट पे मिल गया, बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि ना मेरी जो फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड प्रिया, उसके किसी भाई का रेस्टोरेंट था ये, तो उसके बेसिस पे हमें डिस्काउंट मिल गया अच्छा खासा। और मैं कल घूमी घूमी करूँगी, और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि हम कहाँ कहाँ गए। सो गाइस सुबह के हो चुके हैं 8:35, और हम अभी उठे हैं, हमारा खाना ऑर्डर किया है हमने, मतलब कि ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है, हम ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर अच्छी अच्छी जगह को एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइस इसके आगे का व्लॉग आएगा नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ।